आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द मैजिक रेसिपी में। आज मैं आपके साथ छोले और भटूरे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि सभी को बहुत ही पसंद आता है। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए ये बढ़िया सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। भटूरा बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगा लेंगे। तो मैंने लिया है यहाँ 2 कप मैदा, और इसमें डाल देंगे 1/2 कप सूजी। सूजी डालने से भटूरे में अच्छी सी क्रिस्पनेस आती हैं। अब इसमें डाल देंगे नमक, तो ये मैंने छोटा चम्मच से 1.5 चम्मच नमक लिया है। चीनी भी मैं 1.5 चम्मच ही डालूंगी इसमें। चीनी डालने से इसमें अच्छा सा कलर आता है। और अब इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। ये मैंने लिया है 1 छोटी कटोरी दही। तो दही से ही भटूरे का आटा लगाया जाता है। दही डालने के बाद इसको मिलाएंगे, और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इससे हम सॉफ्ट डो लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालते जाएंगे और इसको अच्छे से मलेंगे। जितना बढ़िया से हम आटा मलेंगे उतना ही भटूरा हमारा बढ़िया बनकर तैयार होगा। यहाँ मैंने इसको अच्छे से 5-7 मिनट मल लिया है। तो अब थोड़ा सा तेल लगा के इसको ढककर रख देंगे ताकि अच्छे से फर्मेंट हो जाए। इसको करीबन 1 घंटे से 1.5 घंटे के लिए हम रखेंगे, तब तक हम अपना छोला बना लेंगे। तो छोले बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ काबली चना, और इसको मैंने 6-7 घंटे भिगा लिया था। तो अब इसे हम उबाल लेते हैं। तो कुकर में सारे चने डाल लेंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच नमक, दो तेजपत्ता और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। इसको तोड़ के डाल देंगे। अब इसमें पानी डाल, और अब इसमें हम चाय पत्ती का पानी डालेंगे। चाय पत्ती को उबाल के और छान के मैंने लिया है। यदि आप चाहे तो टी बैग या चाय पत्ती की पोटली बनाकर भी डाल सकते हैं, इससे इसमें अच्छा सा कलर आ जाएगा। होटल वाले लोग ऐसे ही करते हैं। और अब इसे हम 5 से 6 सीटी लगवा लेंगे ताकि चने अच्छे से उबल जाए। तो मेरे चने उबल चुके हैं, तो अब इसे हम छोला बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ लिया है 2 से 3 बड़ा चम्मच तेल। इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा और 2 तेज पत्ता, ये 2 खड़ी लाल मिर्च, सारी चीजें चटकने लगी हैं। तो अब इसमें हम चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे। तो ये मैंने 5 बड़ी साइज की प्याज को फाइनली चॉप कर लिया है। प्याज डालने के बाद इसे हम अच्छे से चला लेंगे, और चलाते हुए 2-3 मिनट पकाएंगे। प्याज को भूनते हुए 2-3 मिनट हो चुका है, और ये हल्की हल्की भून चुकी हैं। तो अब इसमें हम डाल देते हैं टमाटर। तो ये बड़े 2 टमाटर को मैंने चॉप कर लिया है। टमाटर डालने के बाद वापस से इसे हम अच्छे से चलाएंगे, और
दो तीन मिनट पका लेंगे। तो टमाटर और प्याज को भूनते हुए 3 मिनट हो चुका है और अब इसमें हम कुछ मसाले डाल लेते हैं। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गोल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और ये 1 चम्मच आमचून पाउडर और 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन और 2 हरी मिर्च का पेस्ट है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद मसालों को अच्छे से भूनेंगे। मिक्सी बराबर से चलाते हुए अच्छे से मसालों को भून लेंगे। मसाले जितने अच्छे से भूनेंगे स्वाद उतना बढ़िया आएगा। तो इसमें अब हम नमक डाल लेते हैं। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच काला नमक और 1 छोटा चम्मच सादा नमक। मसाले मेरे अच्छे से भून चुके हैं और इसमें अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो अब इसमें हम जो छोले उबाल के रखे हैं उसको डाल देते हैं। चने के साथ हम पानी का भी इस्तेमाल करेंगे, उसको हटाएंगे नहीं, उसको भी इसमें डाल देंगे। और अब थोड़ा सा और पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे ढककर 5 मिनट पकाएंगे। 5 मिनट बाद हमारा छोला तैयार हो जाएगा। तो ये 5 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया सा छोला बनकर तैयार हो गया है। तो अब इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे। तो यहाँ मैंने 1/2 चम्मच गरम मसाला डाला है। और अब इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, यहाँ पे धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। तो ये मेरा छोला बनकर तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं भटूरे की तरफ। तो आटा हमारा बढ़िया से तैयार हो गया है। तो अब इससे छोटी छोटी गोलियां बना लेते हैं। तो पहले हम थोड़ी सी गोली बना लेंगे, उसके बाद हम भटूरा बेलेंगे। तो अब हम भटूरा बेल लेते हैं। साइज आप अपनी पसंद से रख सकते हैं, बड़ा या छोटा, जितना साइज चाहिए उस तरीके से आप बेल लें। तो अब इसे हम तल लेते हैं। तो तलने के लिए मैंने यहाँ कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। एक छोटी सी गोली डालकर और तेल को चेक कर लेंगे। गोली तलकर ऊपर आ रही है, इसका मतलब है कि तेल हमारा तैयार है। तो अब इसमें हम डालकर भटूरा और तलेंगे। पलटे की मदद से धीरे धीरे दबाते हुए हम इसको तल लेंगे। अब इसे पलट देते हैं। तो देखिए एक तरफ से हमारा भटूरा अच्छे से तल चुका है। भटूरा तलकर तैयार है और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अच्छा सा इसमें कलर आया है और दोनों तरफ से ही बढ़िया से ये तल चुका है। तो अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने इसको सर्व किया है और देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। छोला और प्याज और मिक्स अचार के साथ देखने में ये कितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी बना है।
तो यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।